ये हार्दिक पांड्या जिस रोहित शर्मा की इन्होंने जगह ली है, इसी रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या का करियर बचाया है, और कहीं और नहीं, इसी मुंबई इंडियंस में इसी रोहित शर्मा ने। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पार्थिव पटेल ने आकाश चोपड़ा से बात करते हुए कही। वही पार्थिव पटेल जो बहुत टाइम से मुंबई इंडियंस से एसोसिएटेड है, वही पार्थिव पटेल जो इसी मुंबई के साथ रोहित शर्मा के साथ भी ओपन कर चुके हैं, और इसी मुंबई के साथ जॉस बटलर के साथ भी ओपन कर चुके हैं, और काफी टाइम तक हमने उनको मुंबई के साथ एसोसिएटेड देखा है, मुंबई को अंदर तक जानते हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में जब हार्दिक पांड्या आए थे और हर तरफ अच्छे सीजन के बाद हार्दिक हो रहा था, 2016 जैसे ही आता है हार्दिक पांड्या का खराब फॉर्म दिखता है हमें, और हमारे खेमे में, हमारे मैनेजमेंट में ये बात शुरू हो जाती है कि जी इनका हो गया, हार्दिक को ड्रॉप कर देते हैं। हार्दिक का पिछला सीजन था, आप सोचिए ना, हार्दिक उस टाइम पर सिर्फ हार्दिक थे, हार्दिक उस टाइम पर एक अनकैप्ड प्लेयर थे, हार्दिक उस टाइम पर वो जलवा दिखाए हुए हार्दिक नहीं थे, एक नॉर्मल सा एक नया लड़का था जिसने एक सीजन अच्छा किया था और अगला सीजन खराब हो गया था। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट में ये डिस्कशन होने लगा था कि हार्दिक को हम ड्रॉप कर देंगे, छोटा सा अमाउंट है इसका, बहुत ज्यादा भी नहीं, अनकैप प्लेयर का अमाउंट कितना ही रहता है, और उसके बाद जरूरत होगी तो आगे खरीद लेंगे, अगर हमें ऐसा लगा कि रणजी में अच्छा खेल रहा है या कहीं पर अच्छा खेल रहा है तो हम उस पर नजर बना करके रखेंगे, आगे उसको दोबारा पिक कर लेंगे। लेकिन यही रोहित शर्मा थे जिन्होंने टीम से कहा कि नहीं, मुझे ये खिलाड़ी चाहिए, ये खिलाड़ी मुझे अपनी टीम में चाहिए, एक सीजन खराब हुआ, एक अच्छा हुआ, आगे और अच्छा होगा, बट आई वॉन्ट हिम इन माई टीम। सिर्फ हार्दिक को नहीं, जसप्रीत बुमराह के बारे में उन्होंने बताया कि जब 2014 में बुमराह आए, अच्छा सीजन रहा, 2015 जैसे ही आया बुमराह का सीजन ऐसा खराब हो गया था कि मिड सीजन में यह बात होने लगी थी कि हम जसप्रीत बुमराह को ड्रॉप कर देंगे। वहां पर भी स्टेप अप किसने किया था? रोहित शर्मा। ये रोहित शर्मा, इनको साफ साफ उन्होंने अपने मैनेजमेंट से कहा कि जी मुझे मेरी टीम चाहिए, मुझे हार्दिक चाहिए, खराब सीजन चल रहा है, कोई बात नहीं, आई वॉन्ट हिम, बुमराह मुझे चाहिए, खराब सीजन चल रहा है, कोई बात नहीं, आई वॉन्ट हिम। आकाश चोपड़ा दरअसल मुंबई इंडियंस की तारीफ कर रहे थे पार्थिव पटेल के सामने बैठ करके, और पार्थिव को भी अच्छा लग रहा था, उनकी टीम की तारीफ हो रही है, लेकिन अंदर की बात जब पार्थिव ने बताई कि ठीक है आकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये टीम बहुत अच्छी है, आप ये कह रहे हैं कि ईशान को देखो, बुमराह को देखो, हार्दिक को देखो, ये सारे खिलाड़ी कैसे ग्रो हुए हैं ना यार, मतलब ये सारे खिलाड़ी नए खिलाड़ी पिक किए थे मुंबई ने, और फिर धीरे 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 कैसी बॉन्डिंग हो गई, कैसे ग्रो हो गए सारे के सारे। पार्थिव पटेल ने कहा कि आपको ये तो दिख रहा है कि ये ग्रो हुए हैं, आपको ये नहीं दिख रहा है कि ग्रो कहां हुए हैं, एक 2015 में हुआ जब फॉर्म खराब हुई थी, रोहित ने बैक किया था, एक 2016 में हुआ जब मैनेजमेंट सोचा था हार्दिक को निकाल दे लेकिन रोहित ने बैक किया था, और सिर्फ इंडियन प्लेयर नहीं, कप्तान ऐसा है कि अपनी टीम का हर खिलाड़ी उसको अपना लगता है। जॉस बटलर के बारे में उन्होंने बताया कि 2017 में जॉस बटलर को ओपन करने को दे दिया क्योंकि जॉस बटलर थोड़ा सा अपने फॉर्म को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे, और उसके बाद पार्थिव पटेल और जॉस बटलर दोनों ओपन करने आने लगे, और रोहित शर्मा ने अपनी खुद की पोजीशन सैक्रिफाइस करके वो नीचे आने लगे। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में या फिर वनडे क्रिकेट में आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, थर्ड या फोर्थ पर आ रहे हैं और ओपन कर रहे हैं लेट्स से विराट कोहली और जायसवाल, मतलब आप सोचोगे तो आप उम्मीद नहीं करोगे कैसा होगा, लेकिन रोहित शर्मा ऐसा करते आए हैं मुंबई इंडियंस में। और ये बातें जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि यार इसी हार्दिक पांड्या को ग्रो कराया है यार, इसी हार्दिक पांड्या को टीम जब हटाने की बात कर रही थी तो सपोर्ट किया है, बैक किया है, और आज हम सबको पता है स्टोरी कहाँ चल रही है। खैर, मैंने सोचा कि आपके सामने इस स्टोरी को, इस तथ्य को रखते हैं और पूछते हैं जरा आपसे कि इस पूरी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा, जहां पर अभी सीजन आने वाला है, हार्दिक पांड्या पर ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि रोहित को जितना सपोर्ट मिला है मुंबई से सालों साल, और उन्होंने इतनी मेहनत की है इस टीम पर, और तभी जाकर के, एक दिन में सपोर्ट नहीं मिला है, तभी जाकर के ये सपोर्ट मिला है, और इसके बाद इस बार जब पहला मैच होगा, मुंबई की टीम आ रही होगी, हार्दिक आगे चल रहे होंगे और रोहित पीछे पीछे चल रहे होंगे, कैसा लगेगा वो पूरा माहौल, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इस पूरे माहौल को, इस पूरे हार्दिक लीडिंग एंड रोहित वॉकिंग बिहाइंड, इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, और रोहित शर्मा को बतौर कप्तान आप किस तरह से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।